जो है अब उस कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं जिसके लिए हम सब यहां पर एकत्र हैं लेकिन उससे पहले मैम आशा शर्मा जी कुछ कहना चाह रही थी हमें दो शब्द कुछ कहना चाह रही थी मैम आशा नहीं कहना चाह रहे मैम प्लीज मैम आ जाइए ना आइए मैम आइए कुछ तो कहिए आपकी प्यारी और मीठी सी आवाज से आगाज होगा तो कितना खूबसूरत कार्यक्रम होगा हाँ आप बस शुरू करवा दीजिए जोरदार तालियां आशा मैम के लिए जोरदार बोले तो जोरदार जोरदार तालियां बजाइए आज वो मंच जो गाजियाबाद का सौभाग्य जिसे कहा जाए ऐसा सुशोभित मंच हमारे बहुत ही बड़े गीतकार जिनका न केवल देशों में बल्कि विदेशों में भी सर्वत्र नाम रहा है ऐसे परम आदरणीय संतोष आनंद जी और इतनी बड़ी बड़ी कलम जब मंच पर सुशोभित हों गाज़ियाबाद की आन बान और शान जिनको मैं हमेशा एक चिर परिचित सहज मुस्कान समेटते हुए देखती हूँ डॉक्टर कुंवर बेचेन जी हमारे परवेज़ जी और प्रवीण जिसको मैं उन्नीस से ऐसा ही देख रही हूँ कई बार तो मुझको बड़ी थोड़ी होती है कि ये वैसे का ही वैसा है ऐसे हमारा छोटा भाई प्रवीण जी और हमारी बहुत गायिका बहुत अच्छी शायरा बहुत अच्छी कवित्री और देखने में भी जब वो स्टेज पे होती हैं तो अपने आप में एक नूर सा बिखरता है ऐसी हमारी मुमताज जी और बहुत सफल संचालन इतना अच्छा संचालन हमारी संचालक महोदया जी कर रही हैं मैं अतुल जी आपस में डिस्कस कर रहे थे कि बहुत अच्छा संचालन है आप कौन है तो अतुल जी बोले जरूर कोई कवित्री हो सकती है नहीं आपने मुझसे पूछा था मैं झूठ नहीं बोलती अतुल जी <laughs> तो ऐसी हमारी संचालक महोदया जी हमारे गाजियाबाद में जिनका हमेशा वर्चस्व रहता और गाजियाबाद को अपनी दृष्टि से बचाए रखने के लिए हमेशा गाजियाबाद के शुभचिंतक आदरणीय पवन गुरु जी कविता जी हमारी उदिता जी हमारे सारे यहाँ पर किशनवीर सिरोही जी बैठे हैं सारे लोग क्योंकि मुझे पता है पिछला एक कार्यक्रम शायद प्रवीण जी थे दैनिक जागरण वाला था आप थे उसमें तो मैं इसलिए आपके और श्रोताओं के बीच में बहुत बड़ी बाधा ना बनते हुए बस इतना ही कहूँगी कि मेरी क्या बिसात जो आपके आगे बोलूँ मैं आपका प्रथम नागरिक होने के नाते बहुत बहुत आप सबका हाथ जोड़ के विनर अभिनंदन करती हूँ वंदन करती हूँ और सभी सामने वालों का भी बहुत बहुत अभिनंदन धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया मैम और आप जब बोलती हैं तो सबकी जबा हो जाती है मेरा एक शेर मैं आपको समर्पित करती हूँ कि बेजुबा इस शहर की मैं ही जुबा हो जाऊंगी बेजुबा इस शहर की मैं ही जुबा हो जाऊंगी और चल पड़ी तनहा भी कर तो कारवा हो जाऊंगी तो वही ऐसी ही शख्सियत हैं आप हम सबके लिए प्रेरणादायी